अगर हम सोचें तो हमें ऐसा ही लगेगा कि अगर ड्राइवर सो जाएगा तो ट्रेन की दुर्घटना हो जाएगी, पर ऐसा नहीं होता। ट्रेन में ऐसी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अगर ट्रेन के ड्राइवर को अचानक कुछ हो जाता है, जैसे हार्ट अटैक, बेहोश होना या नींद आ जाना, तो ऐसी स्थिति में ट्रेन को दुर्घटना से बचाया जा सकता है। जो लंबे रास्ते वाली ट्रेन होती है उनमें ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर दोनों होते हैं। अगर ड्राइवर को कुछ होता है तो असिस्टेंट ड्राइवर हैंडल करके स्थानीय स्टेशन तक पहुंचाता है। पर मान लो अगर दोनों ड्राइवर चलती ट्रेन में सो गए तो ट्रेन में एक सिस्टम होता है जिसको विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस कहा जाता है। यदि ड्राइवर चलती ट्रेन के दौरान लगातार एक मिनट तक ट्रेन के संचालन से संबंधित कुछ निश्चित गतिविधि, जैसे हॉर्न बजाना, स्पीड बढ़ाना या घटाना या ब्रेक दबाना, इनमें से वह एक भी 60 सेकंड के अंदर नहीं करता है, तो विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस थोड़े सेकंड के बाद एक्टिव होकर ड्राइवर को ऑडियो के माध्यम से संकेत देकर सावधान करता है, और उस वक्त ड्राइवर को कन्फर्म करना होता है कि मैं जागृत अवस्था में हूँ। अगर उसके बाद भी ड्राइवर कोई एक्शन नहीं लेता तो विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस द्वारा ट्रेन ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक लगना शुरू हो जाता है और लगभग 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के अंदर में ट्रेन रुक जाती है। ड्राइवर का सो जाना ऐसे किससे ज्यादा नहीं होते हैं, फिर भी हार्ट अटैक या ड्राइवर को अचानक कुछ हो जाए उस वक्त ट्रेन को सुरक्षित रखा जा सके, इसके लिए विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस ट्रेन में मौजूद होता है। यह तकनीक के आविष्कार से ट्रेन ऐसी स्थिति में सुरक्षित रहती है और बड़ी दुर्घटना नहीं होती। और रात के समय पर जिस ड्राइवर की ड्यूटी होती है उनको पर्याप्त नींद लेने की सलाह भी दी जाती है ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना की संभावना न हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।